हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट यूट्यूब चैनल। देखो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके का टाइमर लगाना सिखाऊंगा। देखो इस तरीके का डाउनलोडिंग टाइमर आप कैसे लगा सकते हैं, आप इसको व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं या फिर गूगल पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो कैसे आपको लगाना है, पहले ये कैसे वर्क करता है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जब आप यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर इस तरीके का टाइमर यहाँ पर शो होता है। जब ये टाइमिंग पूरी हो जाती है तब आपका यहाँ पे डाउनलोड जो यहाँ पे फाइल दी हुई है वो आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरी अपने पेज पर रिडायरेक्ट भी करवा सकते हो, डाउनलोडिंग लिंक भी इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इस ऐप का यहाँ पे लिंक दे रखा था, तो ये जब यहाँ पे टाइमिंग पूरी हुई तो ये लिंक अपने आप ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे अपने वेबसाइट पर इस तरीके का टाइमर लगा सकते हो। देखो कैसे लगाना है पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना। देखो इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखो इस टाइमर को लगाने के लिए आपको इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगी, देखो ये वाली स्क्रिप्ट है, तो ये वाली स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को। देखो सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रिप्ट में सेटिंग्स करना बता देता हूँ। अगर आपको खुद से यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये कैनवा लिखा हुआ है, मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ इसको। देखो मैंने यहाँ पे ये कैनवा APK लिखा हुआ है और यहाँ पर साइज़ लिखी हुई है क्या साइज़ है, और यहाँ पर आप फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर फाइल के फॉर्मेट में आप यहाँ पर PDF भी लिख सकते हैं और आप ये टाइमिंग भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो वही सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ इस स्क्रिप्ट में आपको कैसे करनी है। देखो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल नेम लिख जाएगा, देखो ये ऊपर वाला फाइल नेम नहीं, नीचे वाला फाइल नेम, तो जो भी आपका फाइल का नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप कोई ऐप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट पेज पर आप रीडायरेक्ट करवा रहे हैं तो वो आप अपना यहाँ पर फाइल नेम डाल सकते हैं। तो इसको यहाँ से आप डिलीट करके आप अपने खुद के फाइल का नाम डाल सकते हैं। अब उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे फाइल साइज़ भी मिल जाएगा, कितने MB की आपकी फ़ाइल है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इन दोनों को सेट करना है। अब आपको डाउनलोडिंग लिंक कहाँ देना है, देखो डाउनलोडिंग लिंक आपको यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा। देखो ये कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है डाउनलोडिंग लिंक, तो यहाँ पर इसको डिलीट करके आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग लिंक दे देना है। और अगर आपको यहाँ पर टाइमिंग और बढ़ानी है तो आप यहाँ से टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। देखो मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, एक ऐसा वापस से मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसा वापस से बना के दिखाता हूँ। तो देखो कोई भी हम डाउनलोडिंग लिंक ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे YouTube पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं, तो YouTube.com को, तो YouTube के लिंक को हमने कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं हमारे ब्लॉगर पे, ब्लॉगर पे आपको अपनी पोस्ट पर आ जाना है, जिस भी पोस्ट पर आपको इस टाइमर को लगाना है। आपको यहाँ पर पहले कंपोज व्यू कर लेना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे आपको उसको लगाना है, उस टाइमर को कहाँ पे लगाना है। जैसे मेरे को यहाँ सबसे लास्ट में लगाना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी सिंबल टाइप कर देना है। जैसे मैं 000 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, जिससे हम बाद में इसको फाइंड कर पाए यहाँ पे हम लगा सकें। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको HTML व्यू पर आना है। अब आपको यहाँ पर Ctrl+F करना है और 000 जो आपने लिखा था उसको आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कहाँ पर लिखा हुआ आपका 000, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाला 000 नहीं है, आपको नीचे और फाइंड करना। देखो ये 2000 है के आगे, तो ये गलत सर्च कर रहा था, तो नीचे 000 है, ये वाला जो हमने लिखा था वो यहाँ पर है। तो इसको आपको यहाँ से थोड़ा सा गैप आपको बना लेना है एंटर मार के। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, अब स्क्रिप्ट को एडिट करना है। देखो इस स्क्रिप्ट को एडिट से मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग लिंक देना है। देखो जो हमने यूट्यूब का लिंक कॉपी करा वो हम यहाँ पर दे देते हैं। अब हमारे को यहाँ पे फाइल का जो भी साइज़ है वो आपको लिखना है, तो फाइल साइज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40 MB, मैंने यहाँ पे लिख दी। फाइल का नाम आपको जो भी डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं YouTube। और यहाँ पे कितने सेकंड का आप यहाँ पे टाइमर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो 15 सेकेंड का हम यहाँ पर टाइमर लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे फाइल का जो फॉर्मेट है वो आपको कैसे चेंज करना है, जैसे यहाँ पे अभी लिखा रहा था फाइल, तो यहाँ पे PDF वगैरह जो लिखाना चाहिए वो कैसे लिखाएगा। देखो फाइल टाइप का ये आपको दिख जाएगा, तो इसके आगे आपको फाइल यहाँ पे दिख जाएगा, तो इस चीज़ को आपको हटाना है। इस फाइल की जगह आप यहाँ पे PDF भी लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ PDF, ठीक है।
तो अब ये हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, इसको आपको कॉपी करना है और आपको सिंपल यहाँ पे अपने जो आपने जगह बनाई है इस पर आके पेस्ट कर देना है। तो हमारी स्क्रिप्ट बन चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अपडेट कर देना है आपको। अब मैं आपको अपने पेज पे ले जाके दिखाता हूँ जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है। देखो ये वाली तो हमारी पहले से बनी हुई है, अब नीचे हमारी जो नई बनी है वो यहाँ पे आपको दिख गई होगी। देखो यहाँ पे फाइल की जगह PDF लिखा आ गया और यहाँ पे आपका जो फाइल का नाम था वो लिखा आ गया, यहाँ पे आपकी साइज लिखी आ गई फाइल की कितनी साइज है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारा देखते हैं बटन काम कर रहा है या फिर नहीं। देखो हमारा जो ये बटन बना है डाउनलोडिंग, तो अच्छे से हमारा ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना के इस बटन को आप ब्लॉगर में भी लगा सकते हैं या फिर आप वर्डप्रेस में भी इसको लगा सकते हैं। सेम तरीका है जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे टाइमिंग पूरी होने के बाद हम यहाँ पे यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे पेज पे आप रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। देखो इस डाउनलोडिंग टाइमर को लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जितनी देर तक आप अपने ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे रोकना चाहते हैं उतनी देर तक आप रोक सकते हैं। तो जितना बड़ा आप यहाँ पे टाइमर लगाते हैं उतनी देर तक आपका ट्रैफिक यहाँ पे आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर रुकेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके का टाइमर लगा सकते हैं। तो आप इसको वर्डप्रेस में भी लगा सकते हैं और ब्लॉगर में भी आप इसको लगा सकते हैं, सेम तरीका है। और ये वाली जो स्क्रिप्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाके डाले के। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।